सीपी कंसल्टेंट वाले के पास आया हुआ था, वाले के पास आया था, डेली हम रात को मिलते हैं, रात को सॉरी मैम भाई है तो वहाँ पर जो ऑफिस में कभी कभी हम मिलते हैं, लेकिन घर में हमारी अक्सर मीटिंग, अक्सर क्या डेली मीटिंग होती रहती है। इनके पास एक ना ये लेटर आया हुआ था, तो ये लेटर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कोई डिमांड लेटर आया था, अप्लाई किया हुआ था, तो मैसी वालों ने वंस अगेन इनसे नई चीज़ें मांगी है, तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो आपको डिटेल में बताते हैं। केस ये था कि तकरीबन 5/11/2021 में ये BLS की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है हमें जाकर मिली थी डायरेक्ट एम्बेसी की, ठीक हो गया। तो इसका केस ये था कि पासपोर्ट और स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड जो है ना वो गुम हो गया था, तो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो जो अपॉइंटमेंट है 5/11/2021 की हमें जो है वो मिल चुकी थी, जाकर वहाँ पर सबमिशन करवाई है। तो अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 7/2/2022 में आकर हमें ना इन्होंने एक डिमांड नोटिस भेज दिया है। डिमांड नोटिस में क्या उन्होंने पूछा है कि आप जो है अपनी जो भी अपने आपका जो रेजिडेंट कार्ड और पासपोर्ट वगैरह जो गुम हुआ था ना, तो उसकी आप FIR लेकर आएँ। FIR तो जमा करवाई थी, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अब उन्होंने स्पेनिश ट्रांसलेशन मांग ली है। अब आप लोगों को पता है कि स्पेनिश ट्रांसलेशन जो है पाकिस्तान के अंदर से तो होती नहीं है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है कि वंस अगेन FIR की कापी निकलवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन से, और उसके बाद उसको मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर से अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा, फिर स्पेन से जो है क्या कहते हैं स्पेन से ट्रांसलेशन करवा कर, तो वंस अगेन एम्बेसी के अंदर इसको सबमिशन करना पड़ेगा, यहाँ BLS TCS को जाकर सबमिशन करना पड़ेगा, और इसका टाइम उन्होंने 10 दिन दिए हुए हैं। आज है तकरीबन 11 तारीख, ठीक हो गया, 7 तारीख का आया हुआ था, तो ये इसकी सारा मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन हम हसीब से लेते हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है कि आया कि इनका जो है वो लगेगा वीज़ा, या वीज़ा सॉरी नहीं, इनको वो न्यू कार्ड यहाँ से इजरा होगा कि उधर से मिलेगा, इसका क्या सीन होगा? ये होगा कि ये अपनी पहले बात याद रखिएगा, जब भी आपको 10 दिन का टाइम देता है, देती है एम्बेसी, तो उसमें सैटरडे और संडे जो होता है वो काउंट नहीं होते, याद रखिए, ठीक हो गया। 10 वर्किंग डेज में आपने ये काम करना होता है, ठीक होगा। इसमें मेन चीज होती है कि आपने ट्रांसलेशन करवा के जस्ट सबमिशन कर देनी है। एम्बेसी कह भी सकती थी कि इसको पहले आप लीगलाइज करवाएं और उसके बाद सबमिट करवाएं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जस्ट ट्रांसलेशन चाहिए, जो ऑथोराइज ट्रांसलेटर है उसे ट्रांसलेशन करवा कर आप हमें ट्रांसलेशन सबमिट करवा दें, तो उसके लिए तकरीबन 30 दिन के अंदर अंदर इनको जो रेजिडेंस कार्ड है वो भी मिल जाएगा और पासपोर्ट वीजा स्टिकर भी लग जाएगा। नहीं, रेजिडेंट कार्ड यहीं से इशू हो जाएगा, जिस तरह हमें शनाख्ती कार्ड इशू होता है यहीं से शनाख्ती कार्ड इशू हो जाएगा। तो इसका टाइम कितना लगा है तकरीबन? इनका टाइम मेन चीज है आपकी डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी पूरी होती है ना, उसमें जो टाइम फ्रेम लगता है वो लगता है। इनकी तकरीबन अगस्त में इनका ये घुमा हुआ था, ठीक है, 21 में अगस्त 21 में, तो सबसे पहले इनको जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है वहां से एक लेटर लेना होता है, उसमें प्रूफ देना होता है कि मैं एंट्री की थी, एंट्री और एग्जिट मैं दोनों आपको बताती हूँ, उसकी आपको एक पूरी डिटेल होती है, PDF में मिल जाती है। तो अगर पासपोर्ट भी साथ घूम जाए, पासपोर्ट भी तो जस्ट आईडी कार्ड या पासपोर्ट नंबर तो याद होता है, FIR में तो लिखा होता है, पासपोर्ट नंबर उन्हें अटैच करना वो इंटर करना होता है, तो वो सारी डिटेल आ जाती है, उसका वो प्रिंट आउट लेते हैं। सेकंड याद रखिएगा, जब आपने फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई करना है तो आपने अखबार में भी स्पष्ट ध्यान देना, तो एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी, एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ती, एफिडेविट की जरूरत नहीं, एफिडेविट की देखिए जब भी आप FIR कटवाते हैं तो हम जब FIR एक कॉपी देते हैं, वो जब हम पासपोर्ट के पास जाते हैं तो पासपोर्ट वाले वो अपने रिकॉर्ड पर रख लेते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। तो याद रखें कि जब भी आप स्टार्टिंग में जब आप FIR कराएं तो उनसे रिक्वेस्ट किया करें कि आप हमें 2 इसकी कॉपीज दें, एक पासपोर्ट अथॉरिटी रखेगी और एक आप जिसकी एम्बेसी के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस एम्बेसी का आपका वीजा लगा हुआ तो वो भी आपको उसकी कॉपी वो रखेगी अपने रिकॉर्ड में, और उसकी जगह फिर आपको आपका वीजा इशू करके आपको। तो इन केस अगर वीजा स्टिकर एक्सपायर हो रहा हो और पासपोर्ट भी गुम हो जाए तो फिर क्या सीन होगा? पासपोर्ट गुम हो जाए, वीजा एक्सपायर हो, सेम इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपने पासपोर्ट गुमशुदगी की FIR इनको दर्ज करवानी है, न्यूज़पेपर में आपने इनका ऐड देना है कि मेरा ये गुम हो चुका है, जो भी आपकी डिटेल होगी, ठीक है, उसके साथ आपने इसी तरह लॉस एंड रेजिडेंस की अपॉइंटमेंट लेनी है, BLS से भी मिल जाती है, लेकिन हमें इनके केस में डायरेक्ट एम्बेसी ने कहा था कि आप जाकर BLS में जमा करा दें, डायरेक्ट एम्बेसी ने, तो अपॉइंटमेंट तो आपने अरेंज की थी, तो बताएं कि मैंने एक अपॉइंटमेंट अरेंज की थी
तो मैंने तो BLS की थी, तो आप मुझे बता रहे कि आपको डायरेक्ट एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल गई, तो वो कैसे मिलगी? मेरा भी सेम ऐसे ही केस है, तो मैंने BLS की जो अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं वहाँ पर स्लॉट्स वगैरह ओपन करके तो वहाँ पर बंदे को भेज दिया था, तो आपको कैसे डायरेक्ट जो है स्पेन एम्बेसी की मिलगी? ये इस तरह सीन था कि हमने एम्बेसी को इनकी सारी डिटेल सेंड की थी, जो इनके पास रेविडेंट जितने भी रेविडेंट डॉक्यूमेंट थे इनके पास, तो हमने इनको अटैच किए, तो साथ इनको बताया कि हमारा जो है ना ये पेपर गुम हो चुका है और हमें काफ़ी ज़्यादा हमने ट्राई की है BLS की तरफ से, हमें हम बूट नहीं कर सके। एक दफ़ा ओपन हुई थी तो हमें पता नहीं लगा, जिसकी वजह से वो बंद हो गई, फिर इस बात पूरा एक मंथ बंद रहती है, तो जिसकी वजह से मुश्किल हो जाती है। तो एम्बेसी ने पहले हमें एक रिक्वायरमेंट कहा कि आप हमें न्यू पासपोर्ट सेंड करें। जब उनको न्यू पासपोर्ट सेंड किया तो उन्होंने तकरीबन विद इन 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर हमें अपॉइंटमेंट दे दी थी। सही हो। तो मैंने 1 अगस्त कहने के तकरीबन 1 नवंबर को मैंने अप्लाई किया था, तो 4 दिन गैप के रख के इन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दे दी थी। सही हो गया। तो और इन्होंने तकरीबन जो इनकी वीजा फीस है लोअर रेजिडेंस की, कम और बेश 28,800 रुपए की फीस है। सही हो। BLS की फीस होती है, BLS इंटरनेशनल जो अपनी सर्विस चार्जेस देते हैं, जिसमें फॉर्म फिल होता है आपका, SMS सर्विस, बाकी भी जो सर्विस डालते हैं, तो वो सारी तरीकाकार इनका लगता है। सही तो हो। इनको इनको तकरीबन जो डॉक्यूमेंट अपने या ये जो अपने रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर इनको वीजा इनका मिल जाएगा। सही हो गया, सही हो गया। जो अभी मामला थे ये हसीब भाई ने आपको अच्छा, बता दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको मजीद अपडेट्स देंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।